सबका जादू रहा है इस फिल्म के ऊपर. आई थिंक वी ऑल वर्क वेरी वेरी हार्ड टू मेक दिस मूवी. इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई गेस व्हेन यू मेक अ फिल्म दैट्स कम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट विद अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी लव, आई गेस दिस इज द एंड रिजल्ट. एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू मीट रोहित एंड शाहरुख एंड एवरीवन हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद चेन्नई एक्सप्रेस. बिकॉज जब फिल्म रिलीज़ हुई मैं आउट ऑफ इंडिया थी, जब सक्सेस पार्टी हुई तब भी मैं नहीं थी. सो दिस इज़ रियली माई यू नो मोमेंट टू गेट टू मीट एवरीवन अगेन. एक्चुअली ये हो जाता है, ये मतलब कोई भी डायरेक्टर या आई डोंट नो बाकी लोग क्या सोचते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये कोई प्लान नहीं कर सकता. मतलब ऑब्वियसली हर डायरेक्टर चाहता है कि उसकी फिल्म चले, बहुत चले, लोगों को पसंद आए, और मैं भी चाहता था. बट इस तरह का होगा कुछ कि जब फिल्म रिलीज़ होगी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी और जब टेलीविजन पे भी आएगी एंड इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, ये कोई प्लान नहीं कर सकता, ये बस हो जाता है. तो टीवी पे भी आ गई है, बाहर कोई डांस नहीं है. बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. जेन्युइनली यू नो दैट्स दीज आर थिंग्स व्हिच आर बिजनेस ओरिएंटेड एंड मे बी आई एम नॉट सपोज टू से ऑल दिस, बट यू नो टू मेक अ फिल्म द वे रोहित माई सेल्फ एंड द होल टीम वॉन्टेड टू मेक इट, इंक्लूडिंग यू टी वी एज अ प्रोड्यूसर्स, आई थिंक द बिगेस्ट हेल्प कम्स व्हेन समबडी अंडर राइट्स द काइंड ऑफ रिस्क दैट वी विश टू टेक क्रिएटिवली. एंड आई थैंक जी टी वी फॉर अलाउिंग अस. You know, they don't know the story, they don't know our beliefs, they know that we are hardworking people, we'll try our best, but just the fact that you guys underwrote, you know, that's such a bigger risk, it made us feel very confident. And tonight, mashallah, we've been very happy with the release of the film. As you all know, we've had a great ride 2 months back, we were still stopped not celebrating and still in the maza of Chennai Express. नहीं एक्चुअली ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. आई टेल यू ऑनेस्टली मैं बोल नहीं रहा था स्टेज पे लंबा. जब हमने इनको फिल्म बिजनेस वाइज में बात कर रहा हूँ, आई थिंक इन्होंने एक बहुत हाई प्राइस पे ली थी. नॉट व्हाट द रूमर्स से बट वी नो इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म. तो बहुत अजीब सा लगता है, हमको ये समझ नहीं आता है फिल्म कैसे अच्छी करती है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है टी वी पे. सो जब खुद परसों या तरसों आई थिंक मैसेजेस आए कि इट इज़ डन वन ऑफ द नाइसेस्ट रेटिंग्स, मुझे मालूम नहीं है नंबर वन है नंबर टू है नंबर थ्री है, लेकिन जो उनकी टीम है जी की वो बहुत खुश थी. और बाय चांस या मे बी बिकॉज ऑफ द फिल्म आई थिंक दे रीच नंबर वन आल्सो. सो एक यू नो एक बिजनेस पार्टनर्स दोस्त जब खुश हो जाते हैं काम से, तो खुशी क्या कहते हैं 4 times ज़्यादा हो जाती है. लेकिन